इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का है मौजू, आखिर मुस्लिम समाज इतना बेखबर क्यों है, आखिर क्या बात है कि यह खामोशी क्या कहती है। वैसे तो मुस्लिम समाज के खिलाफ साजिशें एक जमाने से चली जाती हैं, पर हर दौर में यह माशरा अपने अखलाक, अपने दीनी अमल, समाजी माशी मसाइल पर अखलाकी दायरों में इनका मुकाबला करता आया। पर पिछले कुछ अरसे से यह देखा जा रहा है कि जिस माशरे को दुनिया की रहबरी के लिए भेजा गया था, आज वह खुद जहालत, बदअखलाकी और बेदीनी के अंधेरे में भटकता नजर आ रहा है। खासकर भारत में अगर देखा जाए तो मुल्क के बंटवारे के बाद मुस्लिम समाज सियासी समाजी मैदान में पिछड़ता ही गया। दीनी रहनुमाओं ने माशरे को ऐसे दायरे में महदूद करना शुरू किया जिससे हालात हाजरा पर नजर डालना या मौजूदा हालात पर तबसरा करना गोया इसे गैर इस्लामी या हराम करार देने लगे। जाहिर है इसका नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम माशरा अपने अतराफ में हो रहे सियासी समाजी तब्दीलियों पर नजर रखने से कासिर हो गया। माशरे की अपनी गलतियां भी यह रही कि हम अपने समाज की बुराइयों को छिपाने की कोशिश करते रहे, जिसका भी असर आज हर मामले में पिछड़ता देखा जा रहा है। आए दिन इस्लाम, मुसलमान, अल्लाह, उसके रसूल पर कोई भी कुछ भी कह देता है और हम जहनी गुलामी के दायरे में इस कदर कैद होते गए कि पलटकर संविधान आईने हिंद के दायरे में कहने से भी डरने लगे, जबकि यह हमारा हक था। करनी सेना जैसे कई सेना और दल मुस्लिम माशरे की बेटियां और मुस्लिम माशरे के नौजवानों के कत्ल करने की तक की धमकी खुले इजलासों में देने लगे और आज भी दे रहे, और हम आज भी उसी पुरानी नहज पर जुमा के बयान आवाम को देते रहते हैं। शायद ही कोई मस्जिद के मिंबर से माशरे की इसलाह का बयान होता हो। आज नौबत यहाँ तक आ गई कि यकसा सिविल कोड नाफिज करने की बात भी कही जाती है तो हर मसलक की जानिब से खामोशी का इजहार किया जाता है। मजहबी तशद्दुद के तबलीग मरकजी इख्तदार पजीर हुकूमतों की जानिब से ऐसा किया जा रहा है जैसा यह सरकारी काम हो। मुस्लिम सियासी रहनुमा और सियासी लीडरों ने अपने जाती मुफाद के लिए माशरे की इज्जत, अजमत, वकार, बुलंदी को दांव पर लगा दिया। कई मुस्लिम लीडर जब इन्हें वजारत भी हासिल हुई तो करोड़ों की जायदाद को जमा करने के दूसरा काम नहीं किया, यहाँ तक कि औकाफ की जमीनों का भी सौदा किया गया। दूसरी तरफ दीनी रहनुमाओं ने ऐसा समझा कि यह हमारा काम ही नहीं है, लिहाजा दोनों तरफ से नुकसान मिल्लत का हुआ। आज हमारे जैसे छोटे अखबार या न्यूज चैनलों के जरिए से जो कुछ भी कहते हैं तो हमें पुलिस थानों में बुलाकर हिदायत दी जाती है, वही सुदर्शन जैसे न्यूज चैनलों को सरकारी पनाह दी जाती है जो हमेशा मुसलमानों को पाकिस्तानी या देशद्रोही जैसे अलकाब से नवाजा जाता है। भाजपा के कई सीनियर लीडर जिनकी सुबह और शाम मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी के बगैर मुकम्मल नहीं होती, गोदी मीडिया पर जानबूझकर मुस्लिम समाज को बदजन करने के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अखलाकी तौर पर तो इंतहाई ने बुरा और खराब समाज पेश करने की कोशिश की जाती है। हाल ही में दिलीप कुमार के इंतकाल पर इन्हें भी ट्रोल करने से भगवादारी फिरका परस्त नहीं चुकते। साबिक नायब सदर हिंद हामिद अंसारी को मुल्क में बढ़ती फिरका परस्ती पर अपनी राय देने के बाद इन्हें देशद्रोही तक कहा गया। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इस गुलाम कौम को आजादी का सबक सिखाया, इन्हें तक दहशतगर्द जैसे अलकाब से नवाजा जाता है। और भी कई मिसालें हैं जो दी जा सकती है। वही मुस्लिम समाज आज भी इतना गाफिल है कि एक बड़े तबके को पता ही नहीं कि आखिर किस खतरनाक इम्तिहान से हमें गुजरना पड़ने वाला है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज उलमाए दीन बिल्कुल खामोश है। एक मुसलमान मुकम्मल तौर पर देशभक्त होता है और इसका ईमानी तकाजा भी यही है कि हर हाल में मुल्क की तरक्की, मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए कोशा रहना इसका ईमानी फरीजा है। और आज भी एक बड़ा तबका उलमाए दीन के जेर मातहत चलना पसंद करता है, लिहाजा इन पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि ऐसे दौर में जब हर सुबह एक नई साजिश बुनी जाती है आवाम को आगाह करे। महज मुल्क की आजादी में उलमाओं ने अपनी कुर्बानी पेश की है, इन्हीं वाकियात को दोहराने से आज के उलमाए कराम अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश नहीं हो सकते, अपनी जिम्मेदारियों से किनारा नहीं हो सकते। एक बार फिर उलमाए दीन आईने हिंद के तहफ्फुज़ के लिए आ गया और फिर कुर्बानियां पेश करे, क्योंकि किसी इल्मी दानिश्वर की, मौलानाओं की कुर्बानियां कभी जाया नहीं जाती। एक और जंगे आजादी इस मुल्क को फिरका परस्तों के चंगुल से छुड़ाने के लिए लड़ना है, इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए, अकलियती माशरे को, खासकर दलित, ओबीसी, पिछड़ा, दबा कुचला आ गया है। यकीनन रास्ता कठिन है पर इनकलाबात इन्हीं रास्तों पर चलकर कामयाब होते हैं। घर बैठकर फिरका परस्त इक्तदार से नहीं हटाए जाते और घर बैठे कोई इनकलाब या तब्दीली रोनुमा हो सकती है। वही मुस्लिम समाज के नौजवानों को बेवजह आवारागर्दी करने से बाज आकर संजीदगी से अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचे। महज मोबाइल और देर रात तक गली मोहल्ले के कट्टों पर बैठकर
कभी साफ सुथरा माशरा बनाया नहीं जा सकता। तकरीबन नौजवानों की हाजिरी मस्जिद में होनी चाहिए। मस्जिदों में मौजूदा हालात पर मुजाकरे होने जरूरी हैं। नौजवानों की कमिटियां बनाकर मोहल्ले के आवारागर्दी करने वालों पर नकील कसी जाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गली मोहल्ले के आवारा नौजवानों से मस्जिद की जमात डरती रहती है। नंगे से खुदा भी डरा की तरह माशरे के अच्छे लोग उनसे उलझना नहीं चाहते, जिसका नतीजा यह होता है कि जब चाहे किसी का भी बीच सड़क पर गिरेबान पकड़ने से ये लोग नहीं डरते। लिहाजा आवारागर्दी करने वालों के दिलों में जमात वालों का डर पैदा करें, ताकि माशरे में अपने आप बुराई खत्म होगी। कम से कम बढ़ेगी तो नहीं, जिस मियार पर है उससे कम ही होगी। पिछली मर्तबा भी हमने कहा था कि दीनदार ताकतवर मुस्टंडों को मस्जिद के जिम्मेदार बनाओ, गुंडों आवारागर्दी करने वालों का नशा उतारने वाला आमिला बनाओ, फिर देखो कैसे हर मोहल्ला पाक और शफाफ होता है। यकीनन पूरी तरह से साफ ना हो सके, लेकिन बुराई बढ़ने से हम रोक सकते हैं। काम मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। बेटियों को इन आवारागर्दी करने वालों से घरों में छिपाना पड़ता है, लिहाजा तमाम मसलों का हल इसी तरह से निकलता है। लोहा लोहे को काटता है, जो जिस जबान में बात करता है उसी जबान में जवाब देने की आज जरूरत है। अगर बड़े इनकलाब या माशरे में बड़ी तब्दीली की उम्मीद करते हो तो कुछ सख्त इकदाम उठाने पड़ेंगे। हर मस्जिद की जमात ताकतवर हो, गली मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो। अक्सर यह देखा जाता है कि महज हदीसों में पढ़ते हैं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है, पर हकीकत में सबसे ज्यादा बुग्ज कीना कपट एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से रखता है। सुबह से शाम तक हमारी कौम की बुराइयों में हम मुलविस रहते हैं। हमारी कौम इस तरह है, हमारी कौम ऐसी है, तैसी है। शराब जुआ नशा से शायद ही कोई मोहल्ला बचा हुआ हो। तलाकशुदा लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही है। मुस्लिम लड़कों पर लव जिहाद का इल्जाम लगाया जाता है, पर हकीकत में देखा जाए तो हमारी आजाद ख्याली ने कई मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद होते देखा जा रहा है। दीनदार समझे जाने वाली लड़कियां वालिदैन से बगावत कर गैरों से रजिस्टर मैरिज कर रही है। इतना होने के बाद भी मुसलमानों को खबर ही नहीं है कि आने वाले दिन कैसे होंगे। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है, पर आज भी ख्वाब गफलत से जागने को तैयार नहीं। हम एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए हैं। आज भी मसलक इख्तलाफात से हम बाहर आने के लिए तैयार नहीं। बुराई में मुलव्विस माशरा आखिर कैसे तरक्की कर सकता है? जुआ शराब नशे का आदि माशरा क्या इनकलाबी तहरीकों को लेकर आगे बढ़ सकता है? नशे जुए की खबर को अगर हम शाया करते हैं तो हमें धमकियां दी जा रही है कि क्यों इस खबर को शाया किया? क्या इसे नौजवान नस्ल से उम्मीद की जा सकती है? इतना जरूर है कि दीन की बुनियाद पर ही हम बेहतर माशरे को तश्कील दे सकते हैं। लिहाजा संजीदगी से सोचकर माशरे की इस्लाह की कोशिश तमाम जमात वालों को करने की जरूरत है। छोटी सोच के दायरे से बाहर आकर तवील सोच रखे छोटे छोटे मसलों में उलझने से दूरअंदेशी के साथ फैसले लेने की, और अगर कोई अपने ख्यालात से इत्तफाक नहीं भी रखता तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए माफ करे। बहुत लड़ लिए, बहुत उलझ लिए, आज जरूरत है कि आने वाले 50 सालों के बारे में सोचकर मंसूबाबंदी करें, गली मोहल्ले में जमातों के दरमियान सुलह करें, पुरानी दुश्मनी को मौका मिलते ही अंजाम देने की कोशिश ना करें। फिर एक बार कहता हूं कि दीनी रहनुमाओं की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज भी मिंबर रसूल से माशरे की इस्लाह कर सकते हैं। मस्जिद के जमात वालों को चाहिए कि इमाम और खतीब को बयानात के लिए महदूद दायरे न तय करते हुए इन्हें आजादी दी जाए, और इमामों की भी जिम्मेदारी है कि किसी डर खौफ के बिना माशरे की जिम्मेदारी का एहसास रखते हुए हालात हाजरा पर बयानात करे। कोई भी हुकूमत तुम्हें फांसी देने वाली नहीं है, तुम मस्जिद से ही इस मुल्क के भाईचारे को बरकरार रखने की कोशिश कर सकते हो, फिरका परस्तों को बेनकाब कर सकते हो। आरएसएस संघी विचारधारा के लोग सुबह शाम मुसलमानों को लेकर उल्टे सीधे बयान देते हैं। आखिर आईने हिंद के दायरे में रहते हुए क्यों ना जवाब दिया जाए? आखिर कब तक यह खामोशी बरकरार रहेगी? आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में है और हम हैं कि हिकमत का बाजा बजा रहे हैं। दरअसल यह हिकमत नहीं बल्कि बुजदिली को हिकमत की आड़ में परवान चढ़ाया जा रहा है। अगर आज भी तमाम इल्मी दानिश्वर जिम्मेदार समाजी सियासी कायद खामोश रहेंगे तो इसकी कीमत तो आने वाली नस्ल को ही भुगतनी पड़ेगी, और साथ में अखलाकी तौर पर माशरे की इस्लाह भी जरूरी है। कौम का मुस्तकबिल जहालत के अंधेरे में भटक रहा है, तालीम के साथ तरबियत की भी जरूरत है। जिंदगी जीने के आदाब से इन्हें आशना करने की जरूरत है। फिरका परस्तों की साजिशों का तूफान और हमारी खामोश मिजाजी नस्लों को बर्बाद कर सकती है। माशरे के साथ इस मुल्क के संविधान दस्तूर की हिफाजत भी हमारी जरूरी है। स्कूलों का भगवाकरण करने की तहरीक जोरों पर है और हम हैं कि उर्दू और इंग्लिश पर बहस मुबासे में लगे हुए हैं। लिहाजा इस खामोशी को तोड़ने की जरूरत है, और यह काम किसी एक मकसूद जमात का, किसी मौलाना का या फिर किसी सियासी लीडर का नहीं है, बल्कि जो भी बाशऊर शख्स है इसे आगे आकर अपना किरदार निभाना होगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अब अहम खबरों पर एक नजर।
एक बार फिर लॉकडाउन की अफवाहें गश्त करने लगी हैं, पर इस तरह का कोई इरादा हुकूमत की जानिब से नहीं है, ऐसी बात भी सामने आ रही है। लिहाजा कोरोना गाइडलाइन पर अमल करने की बात कही जा रही है। तीसरी लहर से बच्चों को भी किसी तरह का धोखा नहीं है, ऐसा भी सेहत महकमा की जानिब से कहा जा रहा है। पर आवाम जिस कदर भीड़ बाजार में कर रही है, इस पर भी काबू पाने की जरूरत है, ऐसा वजीर सेहत के सुधाकर ने कहा है। आज उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी डॉक्टरों के जरिए मरीजों को दवाइयां दी जा रही है, जिस पर नजर रखते हुए कार्रवाई का इशारा भी दिया है। आज बेलगाम जिला में 112 पॉजिटिव मरीज पाए गए, तो 75 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया, 6 की मौत भी दर्ज की गई। आलमी सेहत तंजीम WHO ने कहा कि कोरोना खत्म होने की गलतफहमी में न रहे, तीसरी लहर के इम्कान हैं, ऐसा भी कहा है। कोरोना वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर तालीमी महकमा रहा, लिहाजा बच्चों के स्कूलों को लेकर मुख्तलिफ मशवरे दिए जा रहे हैं, पर तालीमी महकमा ने जल्द स्कूलों को शुरू करने का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि माहिरीन से सलाह मशवरा किया जा रहा है और जुलाई के आखिर में या फिर अगस्त के पहले हफ्ते से स्कूलों को शुरू करने के इरादे को जाहिर किया, पर तालीमी महकमा से कोई ठोस फैसला अब तक नहीं लिया गया है। वाज़ह रहे कि कोरोना की पहली लहर के बाद स्कूलों को कॉलेजेस को शुरू किया गया था, पर दूसरी लहर के आने के बाद फिर स्कूलों को बंद कर दिया गया, विद्यागम को भी बंद किया गया। कर्नाटक में RSS को हाईटेक करने का फैसला रियासत हुकूमत की जानिब से लिया जा रहा है। RSS का हर कारकुन भी अब सोशल मीडिया पर सरगर्म होने वाला है, ऐसा हुकूमत की जानिब से कहा गया है। अपने ख्यालात को बहुत ही वाज़ह अंदाज में बयान करने की तरबियत भी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली है। संगीत सोच और फिक्र के IT सेल कयाम हुकूमत के जेर मातहत करना क्या मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए मुनासिब होगा, ऐसा भी बात कही जा रही है। खैर, रियासत कर्नाटक की जानिब से यह फैसला लिया गया। गोका कन्नूर गांव का जवान मंजुनाथ गुड़नवर नागालैंड की सरजमीन पर शहीद हुआ है। मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए अपने खिदमात को अंजाम दे रहा था, पर हादसे में मंजुनाथ की मौत हो गई। आज अल्लूर रोड पर तेज रफ्तार टेम्पो काबू से बाहर होने से खेत में जा गिरा और खेत में जाकर पलट गया। अक्सर इस सड़क पर टेम्पो ट्रक तेज रफ्तार से चलाए जाने की बात आवाम की जानिब से कही जा रही थी। कई बड़े हादसे होने के इम्कान का भी यहां पर इजहार किया गया, लिहाजा टेम्पो खेत में पलटने से किसी का भी जानी या माली नुकसान न होने की बात कही जा रही है। डांडेली के बाद अब निप्पानी दूध गंगा नदी के किनारे 9 फीट की मगरमच्छ देखी गई, जिससे आवाम में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। दूध गंगा वेद गंगा में पानी के बहाव बढ़ गया है, लिहाजा कन्नूर भोज इलाके में तकरीबन 5 मगरमच्छ होने की बात कही जा रही है। नदी के किनारे खेतों में काम करने वालों में डर देखा जा रहा है। करीब ही गाँव होने से फॉरेस्ट महकमा इस पर तवज्जो देने का मुतालबा भी गाँव वालों की जानिब से किया गया। ऑनलाइन चूना लगाने की वारदातों में इजाफा होता ही जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से बार बार चौंकाना रहने की बात कही जा रही है, इसके बावजूद मामले रुकने को तैयार नहीं। हाल ही में एक वारदात फिर पेश आई, अपने आप को फौजी अफसर बताकर स्कूल में दाखिले की बात करते हुए पहले अकाउंट में 1 रुपया भेजकर स्कूल की अकाउंट से ही तकरीबन 90,000 रुपये स्कूल के अकाउंट से ही खाली किए गए, लिहाजा मामला साइबर क्राइम में दर्ज है और CEN अफसर BR गड्ढेकर इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।